नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सनातन पर विपक्षी गठबंधन के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर विपक्षी गठबंधन के नेताओं के बयान को ध्यान से देखा जाए तो इसका सीधा संबंध लोकसभा चुनाव से है। सनातन पर सीरियल अटैक का आखिर मतलब क्या है, और डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान के बाद सनातन पर विपक्षी दलों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उदयनिधि के बाद डीएमके नेता ए राजा और अब आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने भी विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वाले भारत को गुलाम बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे। सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का सिलसिला जारी है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बयान से शुरू हुई थी। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छर और कोरोना से कर दी थी। साथ ही कहा था कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा है। अब ए राजा ने इसकी तुलना असाध्य बीमारी से की है। इतना ही नहीं, ए राजा ने उदयनिधि का बचाव भी किया। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा, सनातन धर्म पर उदयनिधि का रुख बहुत नरम था। इसकी तुलना सामाजिक कलंक वाली कुछ बीमारियों से की जानी चाहिए। एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि के बयान के बाद उनका बचाव किया है। स्टालिन ने कहा कि उदयनिधि ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता जगदानंद सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। जिस समय देश गुलाम हुआ उस समय कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे क्या? देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने से काम नहीं चलेगा, न ही देश मंदिर बनाओ या मस्जिद तोड़ो से चलेगा। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने के लिए पूछने वाला था? क्या उस समय का कोई था? क्या उस समय लालू प्रसाद थे? क्या उस समय डॉक्टर लालू का भाई है? तीन जगह पान खपी का लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। मुंबई बैठक के बाद जिस तरह लगातार सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं, जिस पर राजनीति जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सनातन को निशाना बनाया जा रहा है, और बाद में इस मुद्दे को जाति से जोड़कर इन पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों के शोषण से जोड़ दिया जाएगा ताकि बीजेपी के हिंदुत्व की धार को कम किया जा सके। बिहार और यूपी में जिस तरह विरोधी दल जाति जनगणना को हवा दे रहे हैं, वो भी इस योजना का हिस्सा है। न्यूज वॉच इंडिया ब्यूरो। तो सनातन पर आखिर एक के बाद एक जो अटैक किया जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये सीरियल अटैक आखिर कब तक होता रहेगा? क्या इनका संबंध सच में 2024 से है, या इसके पीछे की आखिर रणनीति क्या है और विपक्षी गठबंधन की मंशा क्या है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा है जो नेता है बीजेपी से, और विजय कौशिक है जो नेता है कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। विजय जी, पहला सवाल आपसे है कि एक के बाद एक और एक के बाद एक, आखिर ये इस तरह के बयान आ क्यों रहे हैं? सबसे पहले मैं इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप बाद में ये ना कहें कि घुमा फिराकर बयान को दिखाया गया या बताया जा रहा है। एक बार जरा आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, उसके बाद सवाल पर आऊंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयानों का, इस तरह के विचारों का खंडन करती है। हम विरोध करते हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज करा चुकी है कि किसी के निजी बयान राष्ट्रीय स्तर पर। आप कह रहे हैं कि पार्टी विरोध दर्ज करा चुकी है। वही मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान आता है और वो कहते हैं कि
स्टालिन ने जो कहा वो सही है? आप ही की पार्टी में, आप ही के इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के नेता कहते हैं, हमारी पार्टी का एक सिंगल नेता कोई बयान समर्थन कर देता है। प्रियांक खड़गे को नहीं सुना या अपने नेता नहीं मानते? बात रखती है प्रियांक खड़गे को अपनी पार्टी का आप नेता नहीं मानते हैं या उन्हें आपने सुना नहीं है अभी? भाई राणा जी, आ तो बात पूरी होने जी, या तो आप मुझे, या तो आप ही बोलिए या मुझे अपनी नहीं तो मैं तो काउंटर सवाल करूंगा। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का एक भी सिंगल नेता ऐसा नहीं है जिसने इसका समर्थन किया हो, तो मैं आपको रिप्लाई तो करूंगा, मैं तो जवाब दूंगा, काउंटर सवाल करूंगा। अगर सिंगल नेता ऐसा नहीं है तो आप बताइए ना, प्रियांक खड़गे आपकी पार्टी के नेता है या नहीं है? मेरी बात यार सुन लीजिए पहले। हाँ, जवाब दीजिए। प्रियांक खड़गे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के इस देश में मौजूद है, कौन कार्यकर्ता क्या कहता है, और किसी कार्यकर्ता का बयान जो है कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में स्पष्ट कर चुकी है कि हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं, हम इस तरह के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम इस तरह के बयानों का विरोध करते हैं, हम इस तरह के बयानों की भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इस तरह के बयानों से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, प्रियांश खड़गे भी शामिल है जी, ठीक है। रही बात यह है कि इनके बयानों से जो धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, तो उसके लिए देश की संसद से कानून पास हो चुके हैं, हेट स्पीच के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये काम करना भाजपा सरकार का फर्ज है। भाजपा अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है, ठीक है, और वो बार बार गेंद दूसरे दलों के पाले में फेंक रही है, ठीक है, तो उससे जो है ना देश का भला होगा ना समाज का भला होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी। हाँ ठीक है, ठीक है आशीष जी, उन्होंने तो कह दिया कि प्रियांक खड़गे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, कौन क्या कहता है सबको समझने की जरूरत नहीं है और उन पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि प्रियांक खड़गे भी कांग्रेस पार्टी के सबसे पिछले कार्यकर्ता है, उनका ये मानना है, सांसद है अलग चीज है उनके लिए। जी जी राणा जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, हमको यहाँ समझना पड़ेगा, सनातन वो है जो नहीं मिट पाया रावण के अहंकार से, सनातन वो है जो नहीं डिगा पाए कंस की हुंकार से, सनातन वो है जो नहीं मिट पाया बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, तो ये दुराचारी तुच्छ परिजीवी क्या सनातन को मिटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, इनका इस तरह का बयान देना भी डेफिनेटली 80% इंडियंस की मान्यताओं के लिए, धार्मिक आस्थाओं के लिए घातक आघात है, जिसके लिए इनको शर्मसार होना चाहिए। लेकिन ये तो इतने शर्मसार हैं कि जो सीएम है, सीएम के बेटे के बयान से ये पल्ला झाड़ लेते हैं उदयनिधि स्टालिन के, जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे के बयान से ये पल्ला झाड़ लेते हैं। आप समझ के देखिएगा, जो जो चिदंबरम है, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके बेटे के बयान से ये पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी अपने प्रमुख नेताओं के बयान से ही पल्ला झाड़ने पे इस समय ये मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा अब ये करें क्या। दिक्कत ये है कि जिस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने का इन्होंने और इनके साथियों ने प्रयास किया है और निरंतर कर रहे हैं, मैं तो आपसे सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन जो ये बयान देते हैं कि सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि डीएमके की फुल फॉर्म क्या है। डीएमके, डी स्टैंड्स फॉर डेंगू, एम स्टैंड्स फॉर मलेरिया एंड के स्टैंड्स फॉर कोरोना। तो इसलिए डेंगू मलेरिया कोरोना का ध्यान तो उनको आना ही था, उनका नॉमनक्लेचर ही पार्टी का ऐसा है। सबसे बड़ी बात आप ही समझिएगा, इन लोगों को ये तक नहीं पता सनातन है क्या। सनातन का ना आदि है ना अंत है, वो नश्वर है, वो अजन्म है, वो सदा से था और वो सदा रहेगा। वो कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किसी को मालूम नहीं, अनलाइक अदर रिलीजन्स। लेकिन हम सनातनियों का ये मान सम्मान बाकी धर्मों का करते हैं कि हम अपने धर्म को सर्वोपरि भले ही कह दें, हम किसी और के धर्म को नीचा दिखाने का और उसके ऊपर कोई लांछन लगाने की ओछी राजनीति करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये इनको समझना पड़ेगा कि भारत देश में रहते सनातनियों की आस्थाओं से खेलने का खिलवाड़ करना आज से खेलने से कम नहीं होगा। ठीक है आशीष जी, ठीक है विजय जी, अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है कि आपके इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके, उसके बयान सनातन के खिलाफ आते हैं,
आपकी आपके इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी उसके नेताओं के बयान आते हैं, मजबूरी क्या है इनके साथ रहने की? आप अलग क्यों नहीं हो जाते? अगर आपको लगता है कि ये गलत है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो फिर अलग क्यों नहीं हो जाते? देखिए, गठबंधन का नाम ही अलग अलग विचारधाराओं को एक मंच पर लेकर आना है। हम उन्हें समझा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम अपने सहयोगी दलों को इस बात के लिए ज्ञान दे देंगे कि इस देश में सत्य सनातन वैदिक धर्म का अपमान करके कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। मुगल आए वो नष्ट हो गए, लेकिन सत्य सनातन वैदिक दिक्कत तो यही है कि मुगल आए, अंग्रेज आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दिक्कत विजय जी ये है कि अब आप ही की इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां भी वो भी मुगलों की तरह ही काम कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरह ही बयान दे रहे हैं। जो मुगलों की तरह काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश का जो मूल नागरिक, यानी कि आपका ये कहना है कि कंस रावण को साथ लेकर चलिए, आपका ये कहना है विजय जी कि कंस रावण को साथ लेकर चलिए वो गलत है, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब इस देश में करोड़ों लोग अपराधी भी हैं तो उनकी हत्या कर दें क्या? सरकार उनको भी जिंदा रखे हुए है ना, आप मुझे बताइए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने आपने जो अभी तर्क दिया वो बड़ा अच्छा लगा। आशीष जी, उनका कहना है कि जो अपराधी है उन्हें भी जिंदा रखा हुआ है कि मार दे उन्हें, कितना अच्छा तर्क है उनका। हमें आपको और आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की कितनी बड़ी मजबूरी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस समय मजबूरी के गठबंधन में है। ये गठबंधन मजबूती का नहीं है, ये गठबंधन मजबूरी का है, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है भले वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी बीजेपी को आड़े हाथ, एनडीए को आड़े हाथ लेने की उसकी अब हिम्मत रही नहीं। इसलिए छोटी 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 पार्टियों को भी साथ लेना पड़े। हर एरा गहरा नथु खेरा आज इनको आंखें दिखाता है, ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 30 सीटें मांगते हैं। बीच में नहीं बोलेंगे आप विजय जी, बीच में नहीं बोलेंगे। एक एक करके बात करेंगे। विजय जी, आपके पास लौटूंगा मैं। हाँ, आशीष जी अपनी बात रखिए। जी, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के जब हम गठबंधन में जाएंगे ना तो हम 80 में से 30 सीटें मांगेंगे। अखिलेश बाबू कहते हैं भैया तुमको 30 तो क्या, मैं 10 भी देने वाला नहीं हूँ। ये कहते हैं वहां पे जाके ममता जी के घर में जाके हम लड़ेंगे। ममता जी कहती है बड़े भाई हो गए अपने घर में, यहाँ तो चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ तो हमारा वर्चस्व चलता है, चाहे लेफ्ट हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वहां पे अखिलेश की पार्टी हो। और दिल्ली में तो इनकी हालत ही मत पूछो, दिल्ली में तो हर दूसरे दिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इनको आंखें दिखाती है, हमारा समर्थन नहीं किया ना तुमने तो हम तो तुम्हारे अलायंस में ही नहीं आएंगे। और बिचारों को मजबूरी में घुटनों पे बैठ के अपनी मान मर्यादा को ताक पे रख के उनका समर्थन करना पड़ता है। ये तो इनका मजबूरी का गठबंधन है और ये भारत की जनता, भारत के देश भर की जनता सब देख रही है कि जो आज इतने मजबूर हैं वो आगे जाके क्या करेंगे। इनको कुछ पता नहीं। इनके इनके नेता राहुल गांधी कहते हैं जेपीसी की मांग करते हैं, तो वहीं पे एनसीपी के नेता शरद जी क्लियर कह देते हैं जेसीपी से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब इनकी सुन कौन रहा है? इनके राहुल गांधी जो हैं, जो बड़ी मुश्किल से वापस एमपी बने हैं, आज उनको पीएम बनाने के ये सपने भले ही कितने ही देखते रहे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक सबको है, लेकिन हकीकत सबको पता है कि आज 55 में से 50 इलेक्शन हराने वाला, इनका पैर का पत्थर बनके कांग्रेस को नीचे खींचने वाला अगर कोई यशस्वी नेता, युवा नेता इनके पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी इनके पास है। वो जहां जहां जाते हैं हमारा फायदा होता है, वो तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, नेता भले इनके हों। जी बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से एक के बाद ये एक बयान आ रहा है जिसको हम तो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि सीरियल अटैक की तरह है, सनातन धर्म पर यह सीरियल अटैक किया जा रहा है, क्या इसी से, क्या इसी से, क्या बिल्कुल पहले मेरा सवाल, क्या इसी के आधार पर सत्ता मिलेगी? सर, ये इनकी गलतफहमी है। ये शुरू से कांग्रेस और इनके अलाइड पार्टीज क्या करती रही हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष को खुश करने का ये प्रयास करते रहे हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि जो हिंदू हैं वो तो सॉफ्ट टारगेट हैं, हिंदुओं को तो कुछ भी कह लिया जाए क्या होगा, दो चार वक्तव्य आ जाएंगे। अभी यूपी में एफआईआर दर्ज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में इनके अगेंस्ट प्ली डाल दी गई है, ठीक है केस लड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इतने बड़े बड़े वकीलों की बैटरी हमने काहे चीज के लिए रखी हुई है। लेकिन मैं बोलता हूं अगर इनमें हिम्मत है, मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पे लाइव
भाजपा की तरफ से कहता हूं कि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई भारतवर्ष में कि सनातन अनुमूलन सम्मेलन कर दिया। अगर इनमें हिम्मत है तो क्या ये ईसाई अनुमूलन सम्मेलन कर सकते हैं? क्या ये मुस्लिम अनुमूलन सम्मेलन कर सकते हैं? अगर इनमें हिम्मत है तो। लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट टारगेट हिंदू हैं, इसलिए ये हमेशा हिंदुओं को दबा के अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते आए हैं। लेकिन इन्हें जानना होगा कि 56 इंच की छाती के नेतृत्व में अब हिंदू जाग चुका है। आशीष जी, अब ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अगर जिस तरह से स्टालिन का बयान आया, यानी कि सीएम स्टालिन का, तो उन्होंने ये कहा कि उनके बेटे का जो कहना था उसको गलत तरीके से दिखाया गया। उनका सवाल कुरूतियों को लेकर था कि सनातन में जो कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को खत्म किया जाए। आपने भी उनका, उदयनिधि स्टालिन का बयान सुना, कई बार चलाया होगा, कई बार उस पर डिबेट की होगी, हमने भी सुना, कहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझिएगा कि जो आदमी ऐसे सम्मेलन में आता है सीएम का बेटा होने और खुद एक युवा मंत्री होने के नाते, और आते ही ऑर्गेनाइजर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने यहां पे इसको रोकने के लिए सम्मेलन नहीं किया, आपने इसको जड़ से मिटाने के लिए सम्मेलन किया। और उसके बाद भी जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि अगर गलती से निकला हो, कोई और अर्थ हो, तो वो उसके ऊपर करेक्शन कर सकते हैं, वो कहते हैं मैं अपने बयान पे टिका हुआ हूं, आप चाहे मेरे खिलाफ कितने ही केस कर दीजिए, मैं परवाह नहीं करता। ये जो उदंडता है उनकी, ये जो उनकी जिद है, ये जो अपनी गलती से की हुई गलती नहीं मान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये बयान मैंने जानबूझ के दिया, एंड आई मेंट व्हाटएवर आई सेड। और फिर उसके ऊपर कांग्रेस की चुप्पी, जिससे दोबारा डीएमके के नेता को ये बोलने का मतलब मिला, ए राजा को, फिर डी राजा ने बोला, और इस तरह से ठीक है आशीष जी, लौटता हूं, ठीक है ठीक है। विजय जी, अब ऐसे में एक सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, सच बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस बीजेपी है, या कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसी के साथ ही है? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती से देश को बचाना है, उसके चलते हमने किससे बचाओगे, गठबंधन किया है, पहली बात। दूसरी बात, देश खतरे में कहां है, खतरे में तो कांग्रेस है जो खत्म होती जा रही है। भाजपा के लोग ये कहते थे कि भाई एक अकेला सब पर भारी, आज उसको लग गई गठबंधन की बीमारी, और भारतीय जनता पार्टी पार्टी 38 दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता में बैठी है। फिर तो भी एक आइडियोलॉजी है, एक नेता है। लेकिन विजय जी, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि आपने खुद इस बात को स्वीकारा कि जो आपके साथी, जो आपके पार्टी के साथी लोग इस तरह के बयान सनातन पर दे रहे हैं, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, वो उनका पर्सनल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता तो आपसे सवाल करेगी, जनता आपसे सवाल करेगी कि आपने ऐसे लोगों से हाथ क्यों मिलाया। नहीं, पहले सवाल पूरा होने दीजिए। तो जनता तो आपसे सवाल करेगी कि आप भैया आपने ऐसे लोगों से हाथ मिलाया क्यों, तो इसीलिए चुनौती बीजेपी बड़ी है या आपके ये साथी? जनता पूछेगी, हम उन्हें जवाब दे देंगे। जिस तरह कर्नाटक में जनता ही तो पूछ रही है, ये डिबेट शो में जनता के प्रतिनिधि पूछ रहे हैं आपसे, उसी तरीके से जनता हमारी इस बात को समझेगी कि हम ये मानते हैं कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, और हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग गलत हैं। यही तो बात है ना, कि आप जिसको गलत कह रहे हैं आप उसी को साथ लेकर चल रहे हैं, आप जिसको गलत कह रहे हैं आप उसी से हाथ मिला रहे हैं, आप जिसको गलत कह रहे हैं आप उसी से दोस्ती कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जनता हमारी बात भी समझे। एक पॉइंट पर तो आइए आप। लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो लोग बीजेपी से सवाल करेंगे। नहीं तो आप आवाज उठा रहे हैं कि कार्रवाई करिए, आप बोलिए ना, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से बोलिए कि डीएमके के नेता, उनके मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बोलिए कि आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, बोलिए आप चैनल से। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि ये जो स्टालिन पुत्र ने जो बयान दिया है उदयनिधि, ये बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसके फादर को उसकी वजह से माफी मांगनी पड़ रही है कि ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा, जबकि उदयनिधि अपने बयान पर कायम है। तो ऐसे ठीक है आशीष जी, आशीष जी, अब तो वो कह रहे हैं कार्रवाई करवाइए, तो आप करवाइए, अब तो सरकार आपकी। राणा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि चलिए मान लीजिएगा ये डीएमके के स्टालिन बेटे पे कार्रवाई ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके एलाइज हैं, इनका डायरेक्ट कंट्रोल उनपे नहीं है, मैं ये बात समझ सकता हूँ। लेकिन ये अपने पी चिदम्बरम के बेटे पे कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते?
ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पे कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो इनके अपने पार्टी के नेता उनका सपोर्ट और समर्थन कर रहे हैं उनको शो कॉज नोटिस ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? उनको ये टर्मिनेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब इन्हीं की आसाम के अंदर एक युवा महिला नेता ये बयान देती है कि आप ही का युवा जो है नेता मुझे प्रताड़ित कर रहा है, तो ये उस बेटी को, उस महिला को, उस युवा नेता को असम कैडर से सस्पेंड कर देते हैं। यानी ये जिसके ऊपर एक्शन लेना चाहे ये एक्शन ले सकते हैं। तो जब ये खुद कहते हैं कि मैं मल्लिकार्जुन के बेटे से और मैं चिदंबरम के बेटे से इत्तफाक नहीं रखता, तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कम से कम वो एक्शन ही हमें इनसे दिख जाए। दूसरा, दूसरी मेरी बात, दो मिनट कौशिक जी, अपने समय का इंतजार कीजिए, कौशिक जी इंतजार कीजिए, बड़ा समय बड़ा कम है आशीष जी, जल्दी बात। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि भाई हम उनका किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वालों का हम समर्थन नहीं करते, तो मैं पूछना चाहूंगा विजय जी से कि राम के होने पे, राम के अस्तित्व पे सवाल किसने उठाए थे? कौन बैटरी ऑफ लॉयर्स लेके गया था ये प्रूव करने कि ना तो राम थे ना राम सेतु था? ये किसने किया था? आज राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले आज जनेऊधारे बने घूम रहे हैं, ये इच्छाधारी कांग्रेसी जो है ना, इनका सनातनी बनने का जो ढोंग है वो भारत की जनता देख रही है। ये वही है जो जालीदार टोपी पहन के घूमते थे, इफ्तार की पार्टियां करते थे, आज जनेऊधारी बनके घूम रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, समय बड़ा कम है। विजय जी, अगर ये मान भी लिया जाए कि स्टालिन के बेटे ने सिर्फ सनातन की कुरूतियों पर बात की थी, लेकिन जिस कार्यक्रम में वो गए थे उस कार्यक्रम का नाम ही था सनातन का विनाश, सनातन अनुमूलन सम्मेलन। हाँ, मतलब अगर एक आम भाषा में कहें तो विनाशी है उसका मतलब, बिल्कुल। तो फिर कैसे इस बात को हजम किया जाए कि वो कुरूतियों पर बात कर रहे थे? तो हमने कब कहा कुर्सियों के ऊपर बात कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, आप ही के नेता कहे, आप ही के नेता ने कहा, कल की डिबेट में आपके नेता कह के गए, परसों की डिबेट में आपके नेता कहकर गए, पलटी आ गए आज। हेलो, कोई क्लियर स्टैंड आपकी आपकी पार्टी की तरफ से आ नहीं रहा है? आप चुप्पी साध कर बैठे हैं, फिर कैसे मान लिया जाए कि आप साथ नहीं है? कल हमारी पार्टी के द्वारा अधिकृत रूप से इस बारे में पूरा स्पष्टीकरण दे दिया गया था, हम इन बयानों की निंदा करते हैं, इनसे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। फिर उस आपके पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया गया, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी प्रियांक खड़गे का बयान आता है, उसके बाद भी चिदंबरम के बेटे का बयान आता है और आप कुछ नहीं कर पाते, उसके बाद आपकी सहयोगी पार्टी आरजेडी का बयान आता है, आप खामोश रहते हैं। सवाल करते हैं तो सवाल का पहले जवाब ले लिया करें, जवाब लिया उसी के बाद काउंटर किया, आपके जवाब पर ही काउंटर किया। काउंटर का मतलब ही ये होता है, आप काउंटर का इसका मतलब नहीं जानते। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सनातन पर एक के बाद एक हमले, ये विवादित बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर सनातन पर ये सीरियल अटैक क्यों किया जा रहा है? क्या 2024 की जमीन को तैयार करने के लिए विपक्ष ने सनातन के अपमान का रास्ता चुन लिया है, या यूं समझा जाए कि सनातन के अपमान से ही विपक्ष को क्या सत्ता हासिल हो जाएगी, या फिर यूं कहा जाए कि कांग्रेस इतनी मजबूर हो चुकी है अपने साथियों के साथ कि वो कुछ भी बोले लेकिन कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठ जाती है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, फिर उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता जब अपमान करते हैं तो चुप्पी क्यों साध लेती है? क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है या फिर उसके साथी? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब कांग्रेस भी दे नहीं पा रही है, उसके लिए भी मुश्किल हो रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।